प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि पहले पिछले दिन हमने एक्सरसाइज 2.1 के आखिरी सवाल, जो आखिरी सवाल था उसका, वो हमने हल किया था। इसी तरह आज हम दूसरे एक्सरसाइज पर जा रहे हैं जो 2.2 है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शोज, अब मैं आपको यहाँ इन चार पार्टों में से दो पार्ट दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला पार्ट जो ए है, आपके पास ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग है, तीन ड्राइंग से तीन सर्कल से, थ्री सर्कल से, तीन सर्कलों में तीन खाने, जैसे मैंने पहले ये देखो ड्राइंग इस तरह है, इसमें एक दो और तीन खाने, तीन खानों में से दो खाने जो है, दो हिस्से जो है, दो पार्ट्स जो है, इन दोनों पार्ट्स को रंग किया हो, रंग से भरा हुआ है, यानी कि तीनों में, यानी तीन सर्कल है, तीन सर्कलों में हर सर्कल के तीन हिस्से हैं, तीन हिस्सों में से दो हिस्सों पर पेंटिंग की हुई है या हम रंग से भरे हुए हैं तीन खाने इसके। तो अब इसकी फ्रैक्शन हमें बता दी कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। ये तीन सर्कल है, चीत तीन सर्कल है ये। अब तीन खानों में से दो खाने जो है वो रंग से भरे हुए हैं, तीन खानों में से, तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 खाने, वो तीन, तीन में से कितने को रंग किया हुआ है, रंग से भरा हुआ है, दो खानों को, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2/3। इसी तरह इसका दूसरा सी पार्ट हम देखेंगे, सी पार्ट, यहाँ भी डबे तीन है, हर डब्बे के, हर बॉक्स के या हर डब्बे के चार चार खाने, डब्बे तीन है, हर डब्बे के चार चार खाने हैं और हर डब्बे में एक एक खाना रंग से भरा हुआ है, एक एक खाना रंग से भरा हुआ है, तीन है ये टोटल, ये कुल कितने डब्बे हैं, तीन डब्बे जरबे, और हर डब्बे में कितने हिस्से हैं, चार हिस्से हैं, तो चार को डिनोमिनेटर पर लिखेंगे, चार खानों में से कितने खाने रंग से भरे हुए, एक खाना रंग से भरे हुए, तो इसका मतलब 3 × 1/4 जो इसका, यानी जो हमने दिखा दी थी ड्राइंग्स में से, तो हमने ये दो सवाल मैंने आपको दिखाए, इसी तरह बाकी दो आप खुद कर सकते हो। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू, वहाँ तो ड्राइंग्स दी गई है, जैसे पहला सवाल है, इसमें दो सर्कल है, ये दो सर्कल है, दो सर्कलों में से इन दो सर्कलों के तीन खाने हैं, तीन खानों में से एक खाना एक सर्कल को रंग से भरा हुआ है और दूसरे सर्कल का भी एक ही खाना भरा हुआ है। अब ये इसका फ्रैक्शन आप मुझे इस, अगर आपको पहला सवाल समझ आया तो आप मुझे इसका भी खुद बता सकते हो। जैसे ये तीन खाने हैं, इसके तीन में से एक का रंग भरा हुआ है, इसी तरह इसके भी तीन खाने हैं, तीन में से एक का रंग भरा हुआ है। अब यहाँ ये जो दूसरी शक्ल है, ये इसके बराबर है, जैसे इसके आप तीन खाने, इसमें से दो खाने भरे हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं अगर हम इन दो को ऐड करेंगे, जैसे 1 + 1/3 + 1/3 वो किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर, यानी तीन खानों में से एक का रंग, एक खाना भरा हुआ है, तीन खानों में से एक भरा हुआ है। अब जब ये दोनों सर्कलों की हम देख सकते हैं,
तो ये बराबर है 2/3, यानी कि जो तीसरा सर्कल है जिसके बराबर है उसके तीन खाने और तीन में से दो खाने रंग से बने हुए हैं। इसी तरह आप इसके और भी दो पार्ट्स हैं इसी सवाल के। तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए आप अपने अपनी किताब पर जो पेज नंबर 42 पे है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्सड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई पहले हमें जरूर करना है और बाद में उसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में और उसके बाद कन्वर्ट करना है उसको मिक्सड फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको पहले बताया है कि मिक्सड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे पहला पार्ट है इसका 7 × 3/5, तो इसको हमें हल करना है पहले। तो हम सीधा इसको हल करेंगे, जैसे जिसका डिनोमिनेटर नहीं होगा, यानी यह तो डिनोमिनेटर आज के यह तो फ्रैक्शन यह तो नंबरस यह तो न्यूमरल्स डिनोमिनेटर आज के समझो गए वन। इस पॉइंट ये जरूर दिमो यहाँ दोन अज दिमो सेवनस तो थ्री जरूर बटा दिमो फाइव जरूर वन, यानी पिछमें दोन ये न्यूमरेटर जो है इन दिमो जरूर डिनोमिनेटर दोन तो दिमो जरूर 7 × 3 = 21 गो अकवु बटा चुस पास। अब ये मिक्सड फ्रैक्शन है, अब इसको हमें मिक्सड फ्रैक्शन में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। तो मिक्सड फ्रैक्शन आप आराम से इसको कर सकते हो, जैसे इसका मतलब हुआ 21 को 5 से जरूर करो, 21/5 इज मीन्स 21 को 5 से मल्टीपल ये डिवाइड करो। तो डिवाइड करेंगे हम सीधा डिवीजन जो हम दूसरे तीसरे में करते आए, 5 का पारा पढ़ लीजिए, 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 × 20, अगर 5×25 करेंगे तो 21 से ज़्यादा बन जाएगा। हमें वो अदद याद लाना चाहिए, नंबर लाना है जो 21 से कम होगा, वो 5×4 = 20। तो वहाँ एक, तो इस तरह से ये मिक्सड फ्रैक्शन ऐसे बना 4 × 1/5 या 4+1/5 तो ये इसका मिक्सड फ्रैक्शन बन गया। हाँ, इसी तरह इसके और भी सवाल आते हैं, जैसे हम देखेंगे पार्ट नंबर सिक्स, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं, 5/2 × 6, इसको भी हम ऐसे ही तरीके से करेंगे। पहले ऊपर यानी जो न्यूमरेटर है उनको जरूर देंगे, वो 5×6 / 2×1, तो ये हम जरूर कर सकते हैं इसको, 5×6 = 30, 2×1 = 2। अब इसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब ये 30 को 2 से तकसीम कर लो, 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2 का टेबल जब वो पढ़ेंगे 2×15 = 30, 2×15 = 30 तो 50 इसका जवाब आएगा। अब अगर हम यहाँ ही इस सवाल को ख़त्म करना चाहेंगे, अगर इस यथो खत्म कर सवाल तेल बिल्कुल सहल अमी जाए, हेको दई कया दो दो टेबल पढ़ दई कया दो 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो हम 3 लिख सकते हैं, तो 5 × 15 = 1 = 50। तो ये इसके अब 10-11 पार्ट है, तो ये बाकी पार्ट जो है इस सवाल के वो उनको आप खुद करने की कोशिश कीजिए। तो कल मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 वगैरह कोशिश करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो बाकी शुक्रिया।